विनम्र अनुरोध है कि कृपया समय की मर्यादा का ध्यान रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी तथा यहाँ उपस्थित सभी महानुभावगण, हमारी पार्टी की नेता उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री बहन मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की स्वयं आना चाहती थी आज, लेकिन अस्वस्थ होने की वजह से, वायरल होने की वजह से उन्होंने हमें अपना संदेश लेकर के आपके पास भेजा है। साथियों, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का पूरा जीवन देश को समर्पित रहा है और उनके निधन पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारी पार्टी का यह मानना है कि मृत्यु व्यक्ति को मार सकती है लेकिन उसके व्यक्तित्व को नहीं। अर्थात श्रद्धेय श्री अटल जी के द्वारा सार्वजनिक जीवन में जो आदर्श व मापदंड स्थापित किए गए हैं वह सबके लिए अनुकरणीय हैं। उन्होंने यह साबित किया कि बिना धन बल, बाहुबल व गलत तौर तरीके अपनाए हुए भी स्वच्छ राजनीति की जा सकती है। हृदय से कवि एवं दयालु होने के बावजूद भी देश हित में उनके द्वारा परमाणु परीक्षण तथा कारगिल युद्ध करने जैसे कठोर निर्णय भी लिए गए हैं। अटल जी की शख्सियत ऐसी थी कि उन्हें पक्ष और विपक्ष दोनों का प्यार सम्मान मिलता था। उनके आदर्शों पर आज चलने का सख्त जरूरत है ताकि देश में शांति, सद्भाव व भाईचारा व अमन चैन का वातावरण कायम हो। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारा के होने के बाद भी उन्होंने विभिन्न विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के साथ मिलकर सरकार चलाई और सफल भी रहे। उनके द्वारा लिए गए सटीक और शक्तिशाली फैसलों के कारण विश्व में भारत का मान बढ़ा। वाजपेयी जी ने आम जनहित के लिए भी अनेकों अभूतपूर्व काम किए हैं। इसके साथ ही हमारी पार्टी का यह भी कहना है कि श्रद्धेय श्री अटल जी ने न सिर्फ आम जनप्रिय नेता ही थे बल्कि वे एक सहृदय कवि भी थे। उनके निधन से हिंदी साहित्य एवं राजनीतिक युग का अवसान हो गया है। उनका निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनके आदर्शों को आत्मसात करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ मैं अपने और अपनी पार्टी की तरफ से और उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय श्री।